अब्दुल अजीज़ रहमतां दी पातर गुरदरबार विच सज बैठी गुरु रूप साध संगत सत्कारयोग मेरिया भैणा बीबियां बच्चियां बुजुर्ग मातावां गुरसिख वीर गुरु के वजीर गुरु घर दे सुरीले कीर्तनीए संत महापुरुष तमाम प्रबंधक साहबान स्टेज सैकटरी साहबान जीओ नाचीज खाकसारा वालों आप जी बादब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चंद लमें पहला सम्मान योग भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी उन्होंने रागी जथा आप जी ने कीर्तन द्वारा सरशार कर रहा सी। कुछ समा नाचीज खाकसारा के दामन में स्टेज सैकटरी ने पाया है उन्होंने हुक्म की तामील करद कुछ शब्द गायन करने ने। गुरु नानक पातशाह जिन्हों का मिशन पैगाम है मुहब्बत है उन्होंने याद में समर्पित इस वरे विच तमाम दुनिया के लोग जिथे भी सिख कौम बैठी है गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख बैठा है उस साढ़े 500 साल समर्पित है। यह समागम भी हो रहा है जो जिथे विसाखी के संबंध में भी समागम है और नाल नाल साढ़े 500 साल समर्पित है। आओ कीर्तन जुड़िए जो साड़ा परंपरावादी कीर्तन है धन गुरु ग्रंथ साहब जी के अकीदे अनुसार गुरु साहिबां दी बख्श अनुसार सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर की जो मर्यादा है पहला शब्द तुसी निर्धारित राग विच शब्द श्रवण करोगे उपरंत मिथे समय विच कुछ विसाखी के संबंध में भाई नंद लाल जी की गज़ल जो कि पंथ प्रवानित बाणी है परशियन विच उस लिए भी हुक्म होया क्योंकि एको एक दुनिया विच काबल की संगत है जिसनों पछतों की समझे नहीं तो सानू भी किसी उसकी समझ नहीं है। इस करके वो शब्द पढ़ना है अखीर में एक बीर रस दा आओ पहला शब्द तुसी राग दा श्रवण करोगे। गुरु नानक पातशाह जी की रचना है जिन्हें याद में समर्पित तुसी जुड़ बैठे हो और यह समागम एडा वड्डा हो रहा है इंटरनेशनल लैवल का साढ़े 500 साल संबोधन करते हुए असं मना रहे हैं। सो पहला शब्द गुरु नानक पातशाह जी को यह समर्पित है। वाहे गुरु जी गुरु गुरु गौरे कारमान मो गुरु बिना मैं नहीं निमाणियां दे गरीब निवाज राग
श्री राग महला पहला अल्लाह अल्क अगम कादर अल्लाह अल्क अगम हार करीम सब दुनिया
काबल दी संगत वालों ही परशियन दे शब्द लई हुकम है। हो सकता साढ़े तलफज इतने वधिया ना हो क्योंकि तुहाडी जबान है अफगानिस्तान दी, पर तुसी इस नूं बाखूबी नाल समझोगे। दीन दुनिया दर कमंदे आपड़ी रुख सारे मां, दीन दुनिया दर कमंदे आपड़ी रुख सारे मां, आपड़ी रुख सारे मां, दीन दुनिया दर कमंदे आपड़ी रुख सारे मां। Oh,
हर नफस गोया बयात नरक से मखमूर शब्द गुरु नानक पातशाह जी ने समर्पित जितने गुरसिख बैठे ने जिसने भी गुरसिख दे घर जन्म लिया है उसनू ये शब्द याद है और बाखूबी नाल इस कंपोजिशन तुसी नाल गायन कर सकते हो। गुरु नानक पातशाह जी भी पर्शियन विच उन्होंने भी बाणी लिखी है और भाई नंद लाल दियां गज़लां विच गुरु नानक पातशाह बारे गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप हुमाना निरंजन निरंकार रूप बहुत घट पढ़ी जाती है लेकिन ये पंथ प्रवानित बाणियां ने भाई नंद लाल जी दी भाई साहब भाई गुरदास जी दसम ग्रंथ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਖਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। चुकात सच है पी सच नानक उसी पी सच निर्भर निर्वैर करता पुरख
Give such a
कौम बहादुरां दी कौम है जिन्हां दीआं रगां विच साहिब इकबाल गुरु गोबिंद सिंह जी दा खून है, साहिबजादिआं दा खून है, जिन्हां दीआं शहादतां दी कोई गिणती नहीं संसार दे विच। आप जी नाल नाल विसाखी दे संबंध विच वी समागम नूं मना रहे हो, उस दे संबंध विच अखीरला इक शब्द है वीर रस दा, चंद लम्हे बाकी ने। आप जी ने गुजारिश है गुरु गोबिंद सिंह जी के सपुत्र ते सपुत्रियां हो चढ़दी कला के प्रतीक सिंह सज बैठे ने, साबत सूरत वाले सिंह ने, जोशो खरोश नाल इस शब्द का साथ दे, बीरस का शब्द है। पता लगे कि काबल की संगत, लंदन की संगत, पूरे इंग्लैंड की संगत इस पार्क दे विच इतना वड्डा समागम मना रहे ने। आओ ये शब्द बीर रस्ता आप जी की नज़र है, आप जी पासों आस रखना कि आप जी सहयोग दोगे, पूरा बीर रस्ते चाके पसारे ने शब्द गायन करना है। तू ही निशानी जीत की, निशानी जीत की, आज तू ही जग दे, आज तू ही जग दे, आज तू ही जग दे, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जग जाता।
की आज तुम्हें जग वारी है गगनत मामा बाजे हो परो निशाने ताओ खेत मन सूरमा अब जू जन को दाओ अब जू जन को दाओ अब जू जन को दाओ बोले बड़ी है तुहाडी इंज नहीं चंगा लगता कृपा करो तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की आज तू ही जग
शुक्रगुजार हाँ जी आप जी दे तुसां इतना साथ दिता है, एकाग्रता बख्शी है, आप जी दे मशकूर हाँ जी। आया नूं खुश आमदीद। साढ़े तो बाद भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी ऊना साहब वाले उन्होंने रागी जत्थे ने आप जी नूं गुरशब्द द्वारा सरशार करना है, सांझ पाउणी है, तुसां ने सहयोग देना है। तमाम सिख संगतां ने सानूं सहयोग दिता है, आप जी दे धन्नवादे हाँ। आईया संगतां वालों साहिबां दी हजूरी विच तिल फुल भेटावां हाजर ने। गुरु के कीर्तन दा मान सत्कार करदे हो साहिबान, सभना दे नाम आप जानदे ने। ग्रह विखे खुशियां खेड़े, सुख शांति, अरोग जीवन पातशाह आप जी नूं असीस बख्शन, हाजरी पुरान करन। कल दे दीवान बाकी ने, आप जी नूं हथ जोड़ के गुजारिश है नाचीज़ खाकसार वालों। अनाउंसमेंट है सन्मान योग पंदुक साहिबाना वालों बड़ी चढ़दी कला दी। टुमारो कल आल सारी संगत नूं गुजारिश है, सिंघां बीबियां बच्चियां बुजुर्ग मातावां गुरसिख वीरां नूं पंदुक साहिबाना नूं कि जिवें असां केसरी रंग दीआं दस्तारां सजाईआं ने, सिंघ सारे जिन्हां कोल केसरी रंग दीआं दस्तारां हन उह सजा के आउण। इंज ही जिन्नियां बीबियां ने वह दुपट्टे केसरी रंग दे सिर ते लै के आउन, एक ऐसा नज़ारा बने पता लगे कि खालसा पंथ इस समागम में शमूलीयत करके चढ़दी कला का एक सबूत दे रहा है। क्योंकि सिख कौम जजवारों की कौम है और जिन्हें सारी जिंदगी गुरु साहिबाना ने दूसरों लई कुर्बानियां दित्तियां,
देश लिए कुर्बानियां दित्तियां मजलूमां दी रख्या कीती। जिथे भी सितम जरीफी होई उस दे सामे छाती ताण के खलो गए। सो ऐसे समय सारी संगत नूं बेनती है स्टेज वालों भी प्रबंधक साहिबाना वालों ते साडे वालों भी ये जरूर बेनती प्रवान करो। रोज़ रोज़ समय आउंदे नहीं, पता नहीं किस गली च शाम हो जानी है, कल का की पता है, वक्त का कुछ पता नहीं। सो बेनती प्रवान करो कल नूं इंज लगे कि तमाम केसरी दस्तारां अते केसरी दुपट्टे लए होण ते ऐसा नज़ारा होवे जिसनों दुनिया तके ते वाह वाह कर उठे। इतनी हाजिरी प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, हुण थोड़ा जिहा टिका बढ़ा के रखिए। साढ़े पास भाई ओंकार सिंह जी उन्ने वाले आ चुके हैं। दास उन्होंने बेनती करेगा कि सास सुर कर लैन। बहुत बहुत धन्यवाद पदम श्री सत्कार योग भाई निर्मल सिंह जी खालसा हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब। प्यारी साध संगत जी, अज डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलिया। छोटे छोटे बच्चों ने आके इत्थे देखो किस तरह स्टेज की सेवा की, किस तरह साढ़े पंथ का नाम रोशन किया। भाई निर्मल सिंह जी खालसा, हुण ऐसा रुतबा ऐसा मुकाम एज दा सतगुरु ने बख्शिया, बट जोश ते जज्बा अज भी नौजवानों नूं हिला रहा है कि नहीं, हिम्मत रखो, जोश दिखाओ, गुरु नाल प्रेम करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब दा। प्यारी साध संगत जी, भाई ओंकार सिंह जी उन्हां साहब वाले, इन्हां दे साथी भाई इंद्रजीत सिंह जी कुछ समा पहले ही अकाल चलाना कर गए सी, कुछ दिन पहले। ये बहुत मुश्किल समय दे विचों साढ़े कोल आए हैं। दास ने इन्हां नूं बहुत बेनतियां कीतियां कि संगत आप जी की उड़ीक दे विच है, आप जी अपना प्रोग्राम कैंसल ना करो। सो मैं इन्हां दा बहुत धन्यवादी हाँ, इन्हां ने निमाणियां नूं माण दिता है। भाई साहब कीर्तन की शुरुआत करनगे। कल अमृत वेला भाई मनप्रीत सिंह जी उन्हां दा है 4 to 5। उस तो उपरंत संपूर्ण आसा दी वार 5 बजे भाई रविंदर सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब। सहज पाठ ते भोग 12 बजे पैने हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं पता है आप सब का चित करता है कि जे ये फुलां दा रागियां दा जड़ा है ये सारा एक गुलदस्ता बन जाए और आप जी दे सामने आ जाए। सो वह गुलदस्ता आत्म रस कीर्तन दरबार दे विच कल शाम 4 बजे भाई निर्मल सिंह जी खालसा, भाई ओंकार सिंह जी, भाई रविंदर सिंह जी, इन्हां ने आत्म रस कीर्तन रूप में हाजरियां भरनिया हैं। सिंह साहब ज्ञानी सुखजिंदर सिंह जी ने रा साहब जी अद्धे पाठ करने हैं। सुकर असी पूरा लाहा लेना है, आराम असी हुण नैक्सट वीक करांगे। आओ ये कल का दिन गुरु दे लेखे लाइए, भुलां चुकां की खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।